बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं माजी के लजीज खाने में चूरी बना रही हूँ। इसके लिए ये हमने ये रोटी लेकर इसके ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कर लिए हैं, और अब इसमें हमने लिया है ये है छोटी इलायची का पाउडर, ये हमने थोड़ा सा ले लिया है, और ये हमने ले ली है चीनी, ये चीनी ले ली है, और ये हैं पिस्ते, ये बादाम हैं, ये काजू ले लिए हैं, और ये पांचों मगज़ हैं, ये देखें ये मगज़ हैं, और ये हमने पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। अब हमने ये जो टुकड़े हैं इन्हें हमने हाथ से तोड़ लिया है, बारीक बारीक तोड़ा है। अब मैं इसे जो अंदर की कटोरी है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और ये सब चीज़ें भी ये देखें ये बादाम हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये पिस्ते हैं, और इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो है ये खोपरा और जो चीनी है ये मैं बाद में डालूँगी, अब मैं इसे ग्राइंडर करूँगी। ये हमने बादाम और पिस्ते और ये पांचों मगज़ और सब चीज़ें जो हैं, छोटी इलायची है उसका पाउडर, ये सब हमने डाल दिया है। अब हम ये देखें ये चीनी और खोपरा जो है बाद में शामिल करेंगे। अब मैं ये गरम करूँगी, ये बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मैं इसको गरम करूँगी, और मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल है इसको शामिल करूँगी, ये देखें, और ये हमारी चूरी जो है ये हमारी चूरी तैयार हो गई है। ये चूरी बच्चे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, और अब मैं देखें इसके अंदर ये चीनी है इसे मैं शामिल करूंगी, और ये जो है पिसा हुआ पाउडर खोपरे का मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया है, और ये देखें ये अब हमारी जो चूरी है ये तैयार हो गई है। आज मैंने माजी के लजीज खाने में चूरी बनाई है जो कि बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है, सब पसंद करते हैं। आजकल तो बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन ये है कि मैंने ये बनाई है और यकीनन आप सबको भी पसंद आएगी। आपको पसंद आए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, और माजी के लजीज खाने में आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगली रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।